हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज 30 अप्रैल है और उसका बड़ा अपडेट आया। रात को भी बहुत सारे अपडेट आए थे एंड सुबह भी आया, तो मैंने एक न्यूज़ क्लिप लिया है स्टूडेंट, जो रात और सुबह के न्यूज़ क्लिप को कंबाइंड किया है एंड आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड दोनों के लिए खबर है, आप देख सकते हैं, दोनों टैब मेरे पास है। सो यहाँ पे खबर बड़ी है, तो पहले आप उसको देख लेते हैं एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पहले वो न्यूज़ क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। कोरोनाची तिसरी लाट जुलै ऑगस्ट मध्ये येण्याची शक्यता आहे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी वर्तवली आहे। तर राज्य ऑक्सिजन पूर्ण असायला हवं असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचं राजेश टोपेंनी म्हटलंय। महाराष्ट्रात 15 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवला, 1 मे नंतर पुढील 15 दिवसही लॉकडाऊनचे निर्बंध कायम राहणार। महाराष्ट्रात तिसरी लाट येईल हे गृहीत धरूनच नियोजन करा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या सूचना। लाभार्थ्यांना विनाविलंब आर्थिक पॅकेजचा लाभ देण्याचे आदेश। देशात कोरोनाची तिसरी आणि चौथी लाट येण्याची शक्यता, तयारी करावी लागेल, नितीन गडकरींनी व्यक्त केली भीती। ये दूसरी वेव है, तीसरी या चौथी वेव भी आने की संभावना है, दुनिया में आई है और इसलिए पहले से तीसरी और चौथी वेव के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी दूर का सोचकर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इस वीडियो में बोला कि जो थर्ड वेव है कोरोना की, वो जुलाई या अगस्त में महाराष्ट्र में आ सकता है और ऐसा हेल्थ मिनिस्टर जी बोल रहे हैं। इवन सेंट्रल लेवल पे भी इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो अब आप एक बात समझिए स्टूडेंट्स, सेकेंड वेव को हम बोल रहे जो उसका पीक है वो मई में आ रहा है, मई के मिड में आ रहा है, मतलब अभी तक हम उस पीक तक नहीं पहुंचे और थर्ड वेव भी आ रहा है। सो आपको लगता है कि मई में सेकेंड वेव आया है, उसका पीक आ रहा है, जून में वो थोड़ा एंड होगा और जुलाई तक फिर से वो स्टार्ट होगा, तो इसमें बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है? नहीं पॉसिबल है स्टूडेंट्स। अब जो 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं कि अब ये चीजें नहीं पॉसिबल है, अल्टरनेटिव असेसमेंट ही इसका एक सोल्यूशन है। एंड इसी के ऊपर अगर आप देखोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी न्यूज दिया है और उन्होंने भी इसके ऊपर बोला है कि अगर बोर्ड एग्जाम को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता है तो आगे एमएसटी, सीईटी और जो भी एंट्रेंस टेस्ट, जैसे अभी अगस्त में हम बोल रहे हैं कि जो थर्ड वेव भी आएगी तो वहां पे नीट भी इम्पैक्ट होगा, जो जेई पहले से पोस्टपोन्ड हुआ है उसका मई में उसका सेशन होने वाला है कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है। तो आप इस चीज को समझिए कि पूरा का पूरा आगे का शेड्यूल इम्पैक्ट होगा। तो उसमें यही बोला गया है, सारे क्लासेस जो बड़े बड़े क्लासेस है उन्होंने यही बोला है कि प्लीज जितना हो सके उतना जल्दी इस चीज के ऊपर डिसीजन लिया जाए एंड फास्ट डिसीजन लिया जाए। क्यों फास्ट डिसीजन? क्योंकि बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर के बच्चे लोगों के साथ भी ऐसे डिले होते होते उनका फाइनली अगर देखा जाए एक सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर भी लगभग आधा निकल गया था जो एमएसटी सीईटी से आ रहे थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करने लायक चीज थी। तो यहां पे जो 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि ओवरऑल सिनेरियो देख के लग रहा है कि आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा वो नॉर्मल तरीका अब नहीं होगा, अल्टरनेटिव असेसमेंट ही होगा, लेकिन ऑफिशियल अपडेट के लिए आपको रुकना होगा। न्यूज में ये आ गई, हेल्थ मिनिस्टर ने भी अपडेट दे दिया, लेकिन हमको एजुकेशन मिनिस्टर जी के भी वेट करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो कि जो कुछ दिन होंगे आगे के उसमें आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल सकता है, लेकिन जितना जल्दी ये डिसीजन होगा उतना ही ज्यादा इम्पैक्टिंग आपका सीईटी, नीट एंड जेई होगा, तो इस चीज पे भी ध्यान देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि उनको अपना जो एडमिशन सॉरी जो एग्जाम फीस है वो वापस चाहिए, तो कुल मिला के जो 17 लाख बच्चे उनका एग्जाम फीस करीबन 70 करोड़ रुपए बना है। दिनकर पाटिल जी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के हैं, उन्होंने चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि जो पूरा गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं लेकिन जो 70 करोड़ रुपए बने हैं उसमें से बहुत ज्यादा खर्च हो चुके हैं पेपर्स में और इस चीज में सिर्फ जो बचे हैं वो सिर्फ चेकिंग के पेपर, चेकिंग के पैसे बचे हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो इसमें भी एक यही अपडेट आएगी कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो फिर गवर्नमेंट को अपने इंटरनल जो उनके पैसे हैं उसमें से 70 करोड़ रिटर्न करने पड़ेंगे, या चांसेस ऐसे भी है कि गवर्नमेंट बोल देगा कि सारे चीजें खरीदे गए हैं, बारकोड, पेपर, ये सारी चीजें खरीदी गई है, तो उसको आपको आगे पैसे नहीं दे सकते। तो एक चीज है कि इफ द थिंग्स आर ऑलरेडी ब्रॉट अप, ठीक है, चीजें को खरीद लिया गया है, उन्हें आप नहीं दे सकते, रिफंड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनसे एग्जाम फीस ना ली जाए, कम से कम हम इतना देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो स्टूडेंट्स रिटर्न में लिख के देते हैं तो उनकी एग्जाम फीस रिटर्न की जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कोविड के कारण उनके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई इकोनॉमिकल, तो उनके पैसे रिटर्न किए जाए, और जिनको लगता है कि ठीक है चलिए सामान खरीद लिया तो आगे के बैच के साथ ऐसा एग्जाम फीस ना लिया जाए।
सो स्टूडेंट्स, बड़ी अपडेट यही थी कि जो कोविड की थर्ड वेव आ रही है वो आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत हैविली इंपैक्ट करेगी। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो सीईटी, जेईई एंड नीट भी जो है वो बहुत बैडली इम्पैक्ट होगा। सीईटी का फॉर्म कब आएगा, डेट कब आएगा, वो सभी चीज़ अगर आप देखोगे इम्पैक्ट होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, आपको जैसे मुझे अभी कोई अपडेट मिलेगी मैं आप तक उस चीज़ को पहुंचाऊंगा। तो इस चीज़ को तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी का भी सीईटी का पेपर या नीट का पेपर और जेईई का पेपर ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो सारी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। सो उस चीज़ का आप बेफिक्र रहिए, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए। जो लोग बोर्ड एग्जाम, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो आप बोर्ड एग्जाम के ऊपर फोकस कर लीजिए। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स के चांसेस यही है कि जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे उनका बोर्ड एग्जाम भी जो है वो कोई अल्टरनेटिव असेसमेंट के थ्रू ही हो पाएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है स्टूडेंट्स, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए आपको मैं न्यूज क्लिप भी दे देता हूं ताकि ऑथेंटिसिटी के लिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।